आठ दिन बाद एन नहर बादली में डूबी बारह वर्षीय बच्ची का मिला शव लगभग सोलह किलोमीटर दूर बुढेड़ा चौकी क्षेत्र में मिला बच्ची का शव बुढ़ेड़ा गुरुग्राम पुलिस ने नहर से शव को निकाल की आवश्यक कानूनी कार्रवाई बुधवार दोपहर करीब तीन बजे के आसपास बादली गोयला कला रोड पर एनसीआर नहर में बह रहे एक नारियल को निकालने के चक्कर में प्रवासी मजदूर की एक बारह वर्षीय बच्ची एनसीआर नहर में डूब गई थी बच्ची को नहर से खोजने के प्रयास पिछले आठ दिनों से बादली क्षेत्र में बादली पुलिस व एस की टीमें कर रही थीं लगातार आठ दिनों तक सर्च अभियान चलाने के बाद बादली पुलिस और एस की टीमों को उस समय राहत मिली जब बच्ची का शव बुढेड़ा गुरुग्राम से निकलने वाली एन नहर में मिला सौ नहर में होने की सूचना मिलने पर बुडेडा पुलिस मौके पर पहुंची शव को नहर से निकाला गया आगामी कानूनी कार्रवाई के बाद शव को बच्ची के परिजनों को सौंप दिया गया बादली थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि बुडेड़ा पुलिस से सूचना मिली कि एक बच्ची का शव नहर में पाया गया मौके पर जाकर शिनाख्त करने पर बच्ची 12 वर्षीय राखी पाई गई बच्ची नहर में बहती हुई मुंडा खेड़ा, खेड़ा पंप हाउस को भी क्रॉस कर बाढ़सा गांव से आगे लगभग 16 किलोमीटर दूर गुरुग्राम क्षेत्र के बुढ़ेड़ा पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहुंच गई बता दें कि बुधवार को बिहार निवासी एक प्रवासी मजदूर विजय की 12 वर्षीय बच्ची राखी जो अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ नहर के पास खेल रही थी प्रवासी मजदूर विजय बादली गोयला कला रोड पर स्थित शंकर ईट भट्ठे पर ईंट पथाई का, का काम करता है खेलने के दौरान राखी को नहर में बहता हुआ एक नारियल दिखाई दिया राखी और उसकी सहेलियां एक पाइप की सहायता से नारियल को निकालने का प्रयास करने लगी इसी दौरान राखी का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गई पिछले बुधवार से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा था गुरुवार को सर्च अभियान में एस की टीम को भी शामिल किया गया इसके बाद भी लगातार सात दिन का समय बीतने के बाद भी दोनों टीमें मिलकर बच्ची को नहर से नहीं खोज पाई बादली पुलिस और एस की टीमों को जब पता चला कि बच्ची का शव मिल गया है तो एक सप्ताह बाद आज बुधवार को ही सर्च अभियान को भी खत्म कर दिया गया